करती, मेरी जिस दिन कबर में होगी मार दो, जिस दिन गोली मारोगे, जो मेरी दिन में कबर में होगा रात होगी मैं चली जाऊंगी, सच बोलूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, जो चैलेंज करती हूँ, मेरे पास प्रूव है, छोटी सी मैं दिखा रही हूँ सबको, ये वहाँ का स्क्रीनशॉट है जिस पर मेरी और मेरी माँ को गालियां दी गई हैं, ये प्रूव उन्होंने दिए जिन लोगों को आपने सोशल मीडिया पर मेरे लिए कहा, ये उन्होंने दिए, जिन बहनों ने मुझे गालियां दी, ये बहनें जाती हैं बाहर मुल्कों में, कुछ यहाँ कुछ नेशनल असेंबली में बैठी हुई हैं, सुन रही है मुझे, मेरे पास सारे प्रूफ पड़े, ये मैं दूंगी सर आपको, आप पढ़िएगा। इन खवातीन को आज नुसरत अब्बासी पूछती है, तुम्हें शर्म नहीं आई उस वक्त, ये कंदकोट की कचरे के ढेर पर कंदकोट की मेरी माँ बहन अपने बच्चे को जन्म दे रही है, क्योंकि सरकारी अस्पताल बंद था और उसका बच्चा ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर गया। तो क्या तुम्हारे तुम जो बच्चे पैदा करती हो, मैं जो बच्चा पैदा कर चुकी, जो दर्द हमने सहा, इसने वो दर्द सहा या नहीं? ये वो माँ नहीं है? जवाब दो, जवाब देना पड़ेगा तुमको। लिखो काउंटर करने वाली औरतों, जो मेरी तकरीर के बाद मुझे काउंटर करोगी। और आपकी पार्टी की कई बेगमात बाहर जाती है अपने बच्चे पैदा करने सिर्फ वहाँ की नेशनलिटी के लिए। ये वो औरत है कंदकोट की, और इसकी इसका दामन तुम्हें आ दामन भी पकड़ेगा। खड़ी होकर अपने आकाओं के लिए तकरीरें करने वाली, खुदा के खौफ से डरो। और सर ये वो लोग है, मर्द औरत का पर्दा दे दिया जाता है जब वो बच्चा जन्म देती है। ये मर्द देख रहे हैं कि एक औरत कचरे के ढेर पर अपने बच्चे को जन्म दे रही है। ये तमाशा है सिंध की गरीब आवाम का। जब बच्चा जन्म हो गया और मर गया तो गधे गाड़े पर ले जाएगा। ठठे और सिजावल की एम्बुलेंस के लिए आप लोगों ने 1 अरब रखा हुआ है, 22 एम्बुलेंस के लिए। कहां गई वो एम्बुलेंस? इस मेरी माँ बहन के लिए नहीं थी। सर देखे इधर एक नजर प्लीज, खुदा का वास्ता है, आप भी औलाद वाले एक नजर देखे सर, ये बच्चा ये जिंदा, और ये उस बच्चे की मरने वाली इसकी लाश, इस बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाकर इसके बाद इस बच्चे की ये शक्ल हो गई है। ओ मुझा रब ओ लाख माँ के हे सीन न देखार तो हुन जो बचड़ो ही मिले उनके इनके ज्यादती पर। वहाँ से कहती है दूसरे सूबों में भी तो ज्यादती होती है, ये आप आर्ग्यूमेंट दे रही हैं। अरे दूसरे सूबों में होती है तो उन पर भी लानत, लेकिन अगर सिंध में होगी तो मैं अपने चीफ मिनिस्टर से पूछूंगी, किससे पूछूं? ये 8-10 बच्चे डूब गए थे, ये कहाँ डूबे थे? झिर्क में, झिर्क के यहाँ नुमाइंदे बैठे हैं, अल्लाह की अदालत में जरूर ये बच्चे आपका दामन पकड़ेंगे। ये बच्चे जिस गाड़ी में, ये गाड़ी मछलियों का गंद उठाने वाली गाड़ी है, मछलियों का गंद। अगर नुसरत अब्बासी खुदा ना करे उसका बच्चा या आपका बच्चा इस तरह गंद की नालियों में ये उठाने वाली गाड़ियों में जाए तो खुदा की कसम हमारा कलेजा फट जाए। लेकिन नहीं, 12 सालों में सिंध की अवाम का ये जुल्म है कि आप कराची से सिंध सेक्रेटेरिएट में जितनी करप्शन होती है मुझसे पूछो, नुसरत के पास कागजात पड़े। ये औरत सर आज इसकी वीडियो चलिए रो रही है। सर यहाँ पर सिस्टम चलते हैं, क्या सिस्टम चलते हैं? कनासरो सिस्टम, कुदवा सिस्टम, ओमनी सिस्टम, क्या बात करते हो आप लोग? हाँ मैं सिंध की जाई नहीं हूँ, मैं सिंध की जाई ना आया, मुझे खबर ना है तहिते जे के वेठान उन्हें जो घर छाए काते हो यो घर केड़े मोहल्ले में किराए ते रहंदाओ हाने ता काते फुगाओ हाने ता। मैं चैलेंज करती हूँ, मुझे आकर चैलेंज करे, क्यों नहीं नजर आता करे उसको नैप को, क्यों नहीं नजर आता एंटी करप्शन को? इनके जो किराए के घर पर रहते थे और रहती थी, आज उनके 25-25 करोड़ के बंगले आओ मेरे हिसाब से निकालो। चैलेंज करती हूँ कि इस 12 सालों में नुसरत के कितने बंगले बने और आप लोगों के कैसे आए? एक रिजर्व सीट पर या एक अपने हलके का बंदा जिसकी तनख्वाह इतनी हो, जो जिसका घर साफ जानते हैं, मुझे सब पता है, सबको पता है, यहाँ भी खुदा जो वास्ता बख्शे चजो। ये कुर्सी है हुक्मरानों, तुम्हारे जनाजे तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते?